तो दोस्तों आईपीएल 2024 में जेसन रॉय और साथ ही साथ मार्क वुड जैसे प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट कौन होने वाला है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे अभी तक जितनी भी रिप्लेसमेंट आईपीएल 2024 में हुई है उनकी ही। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छे अच्छे वीडियोज इस चैनल पर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले रिप्लेसमेंट की हम बात कर लेते हैं, जो कि है केकेआर की टीम की, जो है फिल सॉल्ट जेसन रॉय की जगह आया है। जेसन रॉय जो है आईपीएल 2024 से बाहर हो चुके हैं, हम सबको पता ही है। दोस्तों उनकी जगह जो है आईपीएल 2024 के लिए केकेआर ने फिल सॉल्ट को साइन किया है, जो कि काफी बढ़िया है। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जो है जेसन रॉय की केकेआर को मिल गई है। जेसन रॉय भी बहुत बढ़िया बैट्समैन है और फिल सॉल्ट भी। फिल सॉल्ट जो है वो इंग्लैंड के बैट्समैन है, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करना जानते हैं। इनकी अगर हम टी20 फॉर्म की बात करें तो वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, इनका टी20 फॉर्म बहुत बढ़िया है। मेरे हिसाब से जो है एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट और बेस्ट रिप्लेसमेंट जो है जेसन रॉय से इससे बढ़िया नहीं हो सकती थी। मेरे हिसाब से जो है केकेआर ने अगर फिल सॉल्ट को साइन किया है तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। जेसन रॉय की जो रिप्लेसमेंट है वो बहुत ही बढ़िया मिल गई है केकेआर को। बात करें जेसन रॉय क्यों बाहर हुए, तो जेसन रॉय जो है उनका कुछ रीजन सामने निकल के नहीं आया, लेकिन फिर भी कुछ फैमिली रीजन होगा या फिर इंजरी तो उन्हें नहीं है, ऐसा जो है सामने निकल के आ रहा है। तो दोस्तों आईपीएल 2024 के लिए ये एक रिप्लेसमेंट होने वाली है। रिप्लेसमेंट नंबर टू की अगर हम बात करें तो वो है गस एटकिंसन की जगह दुश्मंता छमीरा की। तो दोस्तों दुश्मंता छमीरा जो है वो गस एटकिंसन की जगह आईपीएल 2024 में खेलने वाले हैं और ये भी जो है केकेआर की ही रिप्लेसमेंट है। केकेआर ने ही इनको जो है रिप्लेस किया है, मतलब केकेआर के जो गस एटकिंसन है वो शायद इंजरी की वजह से आईपीएल 2024 से बाहर हो गए थे, जिसकी वजह से जो है दुश्मंता छमीरा उनकी जगह आए हैं और ये रिप्लेसमेंट जो है काफी बढ़िया है। और मेरे हिसाब से जो ये रिप्लेसमेंट भी केकेआर ने बहुत बढ़िया की है, दोनों की दोनों जो रिप्लेसमेंट की वो केकेआर ने बहुत बढ़िया की है। मेरे हिसाब से तो दुश्मंता छमीरा एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और मेरे हिसाब से जो है ये बेस्ट रिप्लेसमेंट है गस एटकिंसन की, बहुत ही बढ़िया उनको जो है ये एक प्लेयर मिल चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और रिप्लेसमेंट की, जो कि दोस्तों मार्क वुड और शेमर जोसेफ के बीच में हुई, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो है शेमर जोसेफ को अपनी टीम में साइन कर लिया है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ये बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और जो मार्क वुड है वो आईपीएल 2024 से जो है बाहर चले गए हैं। हम सबको पता ही है जब भी टी20 वर्ल्ड कप या फिर वर्ल्ड कप होता है तो जो अपने बड़े बड़े बॉलर्स होते हैं, इंग्लैंड टीम जो है अपने बड़े बड़े बॉलर्स को वापस अपने घर जो है वापस बुला लेती है ट्रेनिंग के लिए, और इसी की वजह से जो है मार्क वुड हमें आईपीएल 2024 में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। और जिनको जो है रिप्लेस किया है शेमर जोसेफ ने, शेमर जोसेफ बहुत बढ़िया बॉलर है, टूटा है गाबा का घमंड ये हम सबको पता ही है, ये 2.0 जो है इन्हीं की वजह से हुआ था। तो मेरे हिसाब से जो है ये बहुत ही बढ़िया बॉलर है और दोस्तों मेरे हिसाब से ना शेमर जोसेफ के पास वो क्वालिटी भी है बॉलिंग की, बहुत बढ़िया बॉलिंग करना जानते हैं। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जो है मार्क वुड की यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स को मिल चुकी है और मेरे हिसाब से एक बेस्ट रिप्लेसमेंट जो है इस साल की लखनऊ सुपर जायंट्स ने ही की है, जो कि मार्क वुड को, मतलब मार्क वुड बाहर चले गए तो उनकी जगह शेमर जोसेफ को लेना। और उसके बाद जो लास्ट रिप्लेसमेंट अभी के लिए सामने निकल के आ रही है वो दोस्तों कुछ इस तरीके की है कि एनगिडी की जगह जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं जैक फ्रेजर मैग्रेग, जो कि काफी बढ़िया जो है मेरे हिसाब से बैट्समैन है, ऑलराउंडर है या फिर बैट्समैन है, वो बहुत बढ़िया तरीके से बिग बैश लीग में इनका फॉर्म रहता है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना फॉर्म भी दिखाते हैं। अब देखिए एक बैट्समैन की, मतलब एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की दिल्ली कैपिटल्स को जरूरत थी, तो मेरे हिसाब से उसी हिसाब से जो है इनको लिया गया, इनको साइन किया गया है, वरना तो ये किसी फास्टर बॉलर को ले लेते एनगिडी की जगह, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो ये काफी बढ़िया रिप्लेसमेंट जो है मिल गई है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को। अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से ये प्लेयर अपना फॉर्म दिखाते हैं। मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक रिप्लेसमेंट ये भी होने वाली है। अभी के लिए जो है चार बड़ी रिप्लेसमेंट ये आईपीएल 2024 में हुई है। अभी तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी रिप्लेसमेंट होना बाकी है, डेवन कॉनवे है, साथ ही साथ दोस्तों टॉम करन है, उनका तो कुछ कहा नहीं जा सकता वो आईपीएल 2024 खेलने आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी अभी भी रिप्लेसमेंट साइन नहीं की है टीम्स ने, साथ ही साथ हैरी ब्रूक है। तो अगर इनकी रिप्लेसमेंट जब भी होगी तो आपको जो है न्यूज मिल जाएगी इसी चैनल पे, क्योंकि इस चैनल पे जो है आपको न्यूज के भी वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इसी की वजह से कह रहा हूं आईपीएल 2024 भी जल्द आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।